एक अजमल अंसारी जी हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं, क्या इस प्राइस पर आईओसी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में फ्रेश बाइंग की जा सकती है क्या? इंडियन ऑयल का चार्ट दिखाइए जी। आई थिंक देखिए, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज में डेफिनेटली मेरा थॉट तो ओवरऑल, मैं ब्रॉड बास्केट में जाऊं तो मेरा थॉट यही आ रहा है कि भी क्रूड बहुत लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, और बट मेरे को अब यहाँ से अब लगने लगा ये भाई क्रूड टाइम वाइज थोड़ा टाइम बिताएगा, ऊपर के टारगेट्स बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, हाई बहुत डिसाइसिवली पीछे वाला हाई 140-145 वाला जो हाई है उसका वो बहुत ज्यादा डिसाइसिवली निकाल पाएगा नहीं, और मेरे हिसाब से 100 से लेके 125-30 की रेंज में रहेगा। तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन आई थिंक ऑयल कंपनीज के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट उनको मिलेगा जहां प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो आई थिंक इन भाव से डेफिनेटली यहाँ पे यील्ड्स भी बहुत अच्छी हैं, मेरे हिसाब से तीनों में ही खरीदारी की जा सकती है, एक में क्यों। ओके जिमी